सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। Hunnarbaaz Season 4, powered by Skill India Mission and presented by Bank of Baroda, Bharat ka Antarrashtriya Bank. Kaushal Bharat, Kushal Bharat. हमने एक मुद्रा योजना बनाई, मुद्रा योजना। ये मुद्रा योजना ऐसी है कि जो छोटे छोटे तबके के लोग हैं, नौजवान लोग हैं, जिसको कुछ करने का इरादा है लेकिन पैसे नहीं है, और किसी साहूकार से लेने जाएगा तो ब्याज बहुत होगा। हमने मुद्रा योजना के तहत कोई भी गारंटी के बिना ऐसे जो साहसिक लोग थे उनको पैसा देने का फैसला कर, और मुझे विश्वास है वो पैसे लगाएगा, मेहनत करेगा, वो खुद तो रोजगारी कमाएगा लेकिन एक और नौजवान को भी रोजगार देने की ताकत वाला बन जाएगा। ऐसा ही बदलाव मैं देख रहा हूं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर अपना खुद का काम करने की चाह होती है, फिर चाहे वो काम छोटा ही क्यों ना हो। ऐसा काम जब सफल होता है तो न सिर्फ उस इंसान और उसके परिवार को एक गौरवशाली जीवन जीने का एक मौका देता है, बल्कि जो लोग उस काम से जुड़े होते हैं उनको भी रोजगार और आत्मसम्मान से भरी जिंदगी देता है। ऐसे ही एक हुनर को पहचान कर उसको सफल बनाने की कोशिश की बैंक ऑफ बड़ौदा ने। जरा सुनिए कैसे, आपको बताएंगी हमारी टीम डायरेक्टर शिप्रा बलानी। कोशिश हमारी, सफलता आपकी, बैंक ऑफ बड़ौदा। The younger generation in India is having lot of skills, lot of innovative ideas, lot of out-of-box thinking. They don't have the financial wherewithal to complete the projects. That is where we are trying to chip in and then do our contribution by financially supporting them. So whenever the people have skills, they can feel free to come to us. Our bank is ready as a public sector bank and a bank which is spread across the country. We are ready to our bit of social work by giving them the financial support, and wherever it is need, we are ready to upgrade their skill also and financially assisting them, so they also come up in the life and become a successful entrepreneur of the society. And we will be very happy to assist all the successful entrepreneur with financial assistance. हुनर जहाँ से भी आवाज देता है, हुनरबाज वहाँ पहुँच ही जाता है। जैसे आज हम पहुँच चुके हैं तमिलनाडु की कैपिटल सिटी चेन्नई में। यहाँ एक तरफ जहाँ बीचेस के नज़ारे, कांजीवरम साड़ीज की खूबसूरती और इडली डोसा का स्वाद आपको अपनी ओर खींचता है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ की गर्मी आपको बेहाल भी कर देती है, और ऐसे में चाह होती है कि कुछ ठंडा हो जाए। भाई वाह, चेन्नई की इस गर्मी में अगर आपको ये ठंडा ठंडा जूस का ग्लास मिल जाए तो फिर क्या कहने, है ना? लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं कि इस छोटे से जूस के ग्लास से भी जुड़ सकती है किसी बैंक की कोशिश? अरे भाई, जुड़ सकती नहीं, जुड़ चुकी है, जिसका नतीजा है चेन्नई त्रिची हाईवे पे खुला ये जूस बार। तो क्या है ये पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं। என்னோட ஃபியூச்சர் ஆம்பிஷன்ன்றது பாத்தீங்க, மேரா பேக்கி சப்னா ஹே கி மே அப்னி துகான் கோ ஆர் படா பனாவும் ஆர் அப்னே சாத் 4-5 லோகோ கோ ஆர் காம் சே ஜோடு இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் கு வர இதுதான். ये सपना है खुली आंखों का, सपना जो जुड़ा है कौशल से और एक छोटी सी कोशिश से। ये सपना है चेन्नई में रहने वाले पचई कनी का। शॉप पाथिंग है अपना, मैं अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी के बजाय अपना कुछ काम करना चाहता था। मेरी माँ बहुत अच्छा फ्रूट जूस बनाती थी, मैंने उनसे सीखा और फिर अपनी एक फ्रूट जूस की शॉप डालने का भी प्लान किया। प्लान तो दिमाग में बिल्कुल क्लियर था, पर प्लान को पूरा करने के लिए जेब में पैसे नहीं थे। टेंशन तो थी, लेकिन जब कुछ करने की ठान लो तो रास्ते भी मिल ही जाते हैं, और पचई कनी को ये रास्ता दिखाया बैंक ऑफ बड़ौदा ने। Mr. Pachakani has approached our bank last year for Mudra loan, which comes under the scheme called Kishore, for an amount of 2 lakhs rupees.
and the loan was sanctioned by our previous manager in the name of Kasi Kulba. He is the proprietor of that firm. पैसा मिला तो हुनर को मिली एक नई ताकत और फिर खुल गया पचई गनी का ये कूल बार, जहां तरह तरह के फ्रेश फ्रूट जूसेस आपको पीने को मिल जाएंगे। एक कमाल की बात ये भी है कि बैंक ने लोन देने के साथ साथ पचई गनी को और भी बहुत कुछ सिखाया है। सुनिए जरा। 2015 तक मैं कुछ खास नहीं कमा पाता था, मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं भरता था। अब मैं कमाई भी अच्छी कर लेता हूँ और खास बात यह है कि बैंक के लोगों ने मुझे GST के बारे में सिखाया। उनकी वजह से हर साल मैं IT रिटर्न भी करने लगा हूँ। मेरी कामयाबी में घर और बैंक के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। वाह, हुनर ने जोड़ा रोजगार से और रोजगार को शुरू करने और सही तरह से चलाने के गुण सिखा दिए बैंक ने, तो सफलता तो मिलनी तय है। और इसी का नतीजा है कि आज पचई कनी ने अपनी शॉप को बढ़ाकर वहाँ छोटे मोटे और भी दूसरे काम शुरू कर दिए हैं। भाई, काम बढ़ेगा तो बढ़ेगी इनकम, और इनकम बढ़ेगी तभी तो पूरा होगा ना पचई कनी जी का सपना। याद है ना इनका सपना? मेरा एक ही सपना है कि मैं अपनी दुकान को और बड़ा बनाऊं और अपने साथ 4-5 लोगों को और काम से जोड़ूं। भाई वाह, ये ठंडा ठंडा जूस कभी भी आपको तपती गर्मी से राहत नहीं पहुंचा पाता अगर बैंक ऑफ बड़ौदा इनके साथ ना जुड़ा होता, है ना? क्या आप भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं? तो रोका किसने है, हो जाइए तैयार, और फिर क्या पता एक दिन हम आपके पास पहुंच जाएं जूस पीने। भैया एक और देना। है ना दिल को छूने वाली बात, एक छोटा सा काम भी व्यक्तित्व में आपके जीवन में कितना सुखद बदलाव ला सकता है। लेकिन ये खुशियां शायद तब मुमकिन हुई जब बैंक ऑफ बड़ौदा का साथ मिला, और इसी साथ की वजह से पचई कनी जी का फ्यूचर आज सॉलिड हो चुका है। छोटा ही सही, आप भी अपना काम शुरू करने की पहल करिए, खुशियां आपका दरवाजा भी जरूर खटखटाएंगे। चेन्नई के बाद सीधे आपको लेकर चलते हैं नॉर्थ ईस्ट के एक खूबसूरत शहर शिलोंग में, और वहां आपकी मुलाकात करवाएंगे मधुमक्खियों से। अरे अरे घबराइए मत, ये मधुमक्खियां काटती नहीं हैं, बल्कि आपको जोड़ती हैं रोजगार से। तो आप देखिए कैसे, और हाँ ध्यान से देखिएगा ताकि आप एपिसोड के अंत में पूछे गए सवालों का सही जवाब दे पाए। कभी आपने शहद के इस्तेमाल करने से पहले ये सोचा है कि इतनी मीठी और सेहतमंद चीज हम तक किन मुश्किलों और स्किल्ड हाथों से गुजर के आती है? क्या आपको पता है कि ये मधुमक्खी पालन की शिक्षा देश में कई जगह सरकार द्वारा मुफ्त में कराई जाती है? आप जानते हैं इस ट्रेनिंग के लिए आपको न उच्च शिक्षा की जरूरत है, न ही कोई उम्र की सीमा। We are a 21-year-old social startup enterprise. We started with the apiculture mission. What we had done is we introduced a new set of training modules rather than the conventional one, where we addressed to the farmer's needs, where we addressed to his markets, where we addressed to the financial leakages which each and every farmer needs. कभी भी इंस्पेक्शन करने का टाइम में मधुमक्खी का बक्सा का सामने खड़ा नहीं होना है, और इंस्पेक्शन करने का पहले ये पेन लेना है ताकि मधुमक्खी आपका मुंह में स्टिंग नहीं कर पाए। ये हम लोग को दिखाना है कि बी बॉक्स को क्लीनिंग कैसा करना है इसको, और उसके बाद में जो फ्रेम में जो होता है उसको सफा करना है। हनी कैसे एक्सट्रैक्शन करता है इसका बारे में बोलने जा रहा हूँ। पहले हम टॉप को निकालेंगे, निकाल के ऐसा सामने रखेंगे, दोनों साइड कटना है, एक साइड नहीं कटना है। काट के हम मशीन का अंदर डालेंगे। एक बारे में हम 4 फ्रेम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्किल इंडिया मिशन को साकार करने में शिलोंग के सेंटर ऑफ लर्निंग नॉलेज एंड सर्विसेज जुटे हुए हैं, और मधुमक्खी पालन के अत्याधुनिक तरीकों से यहाँ के लोगों को वाकिफ कराया है। गांव के लोग आधुनिक तकनीक अपना रहे हैं जिससे न केवल उनकी सहूलियत बढ़ी है बल्कि शहद के उत्पादन के साथ साथ उनकी कमाई में भी इजाफा हुआ है।
honey is just one of the minor product from beekeeping. We have mead, which is called as the alcohol of the gods. The Greeks and the Romans used to drink it. That is made out of bee. You have organic soaps, shampoos, moisturizers, and so there's a variety of products that can come from beekeeping. So it is a very, very industrial property. We have so many success stories of our farmers who've worked, who've started with one bee box. Now they own around 200 bee boxes. The only reason is because it's got economic viability, and that's the reason why they have gone forward towards it. My name is Iba Bla, and I'm a beekeeper here in Shillong. Also an agripreneur, because I have this farm where I want to do integrated farming. Eventually, I just started on my own with my husband. With some help from him, we, you know, purchased a few boxes on our own and then started. Thing is, with my own production, I'm not there yet. So what I've decided to do is to aggregate from our farmers, our existing beekeepers, and there are quite many of them in our state. Sabka saath sabka vikas ka isse acha udharan aur kya ho sakta hai ki Iba Bla ne apne business ke zariye un beekeepers ki zindagi roshan ki jinke paas aage badhne ki chaah to thi par sahi raah nahi thi. Iba Bla ne apne saathi village ke lagbhag 40 kisanon ko bhi rozgar diya. Hai na badhiya baat. What I'm doing is I'm going to them, buying the honey from them at a good price for them, and then after that I bring it home and I process it and I bottle it in this 40 grams bottle under the name Blossom. That's my brand. Meghalaya is known for, you know, natural way of farming. So our honey that we get is actually as natural, as organic as can get. स्किल इंडिया मिशन से जुड़कर आप भी बी कीपिंग या और भी ऐसे किसी क्षेत्र में ट्रेनिंग हासिल करके अपने लिए रोजगार या व्यवसाय के अवसर बना सकते हैं. और ये तो आप जानते ही होंगे कि बी कीपिंग का ये बिजनेस पार्ट टाइम भी हो सकता है, फुल टाइम भी, और घर से कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है. हाउसवाइफ से लेकर स्टूडेंट भी इस काम से जुड़कर अपने लिए इनकम का एक और जरिया बढ़ा सकते हैं. There's a huge demand of honey, but there's not enough supply of it. So I encourage, you know, young people to take up this trade, because it's a new thing, that there's plenty of scope for it. And for people who are saying that, you know, we're jobless, we don't have jobs, why not think about this? My dream will come true one day, you know, to be the queen bee of Shillong. Wow. ईबा के इस हुनर ने तो उन्हें सफलता की मिठास या फिर कहें शहद का स्वाद चखा ही दिया है. हमें पूरा यकीन है कि एक दिन वो ज़रूर क्वीन बी बन जाएंगी. अगर आप भी ऐसा ही हुनर सीखना चाहते हैं तो आप भी सफलता का शहद चख सकते हैं. बस सीखिए ये हुनर और बन जाइए हुनरबाज बिल्कुल ईबा की तरह. अभी फिलहाल वक्त है एक ब्रेक लेने का, और आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद यही हुनरबाज में. अगर आप भी ढूंढ रहे हैं रोजगार और जानना चाहते हैं किसी भी कोर्स या वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में, तो NSDC को मिस कॉल दीजिए 0880055555 पर, या विजिट कीजिए NSDC की वेबसाइट www.nsdcindia.org. इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा. कौशल भारत, कुशल भारत. आप क्या सोचते हैं? आपके हाथों का कौशल आपके लिए क्या क्या कर सकता है? इतना ही ना कि आपको रोजगार दिला सकता है, समाज में एक पहचान दिला सकता है, सारी सुख सुविधाएं दिला सकता है. यही, अरे थोड़ा ऊंचा सोचिए जनाब. आपके हाथों का हुनर आपको देश का गौरव बना सकता है, और सिर्फ समाज में ही नहीं पूरी दुनिया में आपका नाम हो सकता है, जैसे हमारे ये वर्ल्ड स्किल्स कंटेस्टेंट्स का हो रहा है. आप देखिए कैसे. ये हैं चार्मी, आप जानते हैं इनको, इनसे मिलिए. ये हैं रतिकांत मिश्रा, इनको तो जानते ही होंगे आप. नहीं तो क्या निकिता या विनोद को जानते हैं आप? अरे माना ये कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बड़े सेलिब्रिटी नहीं है, पर यकीन मानिए उनसे कम भी नहीं है. ये विनर्स हैं इंडिया स्किल्स ईस्ट और वेस्ट जोन के. बल्कि इन सबको देखिए, ये सब अपने अपने काम के हुनरबाज हैं. इन्होंने
इंडिया स्किल्स में हिस्सा लिया और इनमें से जो जीते वो चार्मी रविकांत जैसे सैकड़ों हुनरबाजों के साथ सिलेक्ट हो चुके हैं नेशनल स्किल्स कॉम्पिटिशन के लिए और जो वहाँ भी जीतेंगे उनमें से चुने जाएंगे वर्ल्ड स्किल्स कजान में भाग लेने वाले हुनरबाज और फिर वहां से जीतकर ये सब सेलिब्रिटी तो बन ही जाएंगे साथ ही बन जाएंगे अपने अपने काम के उस्ताद जो उन्हें इज्जत शोहरत पैसा सब कुछ देगा क्योंकि हुनर का ये मंच है ही इतना बड़ा। जितना महत्व ओलंपिक्स का है खेलकूद में वही महत्व स्किल्स के क्षेत्र में वर्ल्ड स्किल्स का यानी वर्ल्ड स्किल्स में जीत के मायने उतने ही हैं जितने ओलंपिक्स क्रिकेट या फुटबॉल वर्ल्ड कप में जीतने वाले खिलाड़ी के होते हैं। इंडिया स्किल्स जैसी प्रतियोगिताएं आपको इतना काबिल बना देती हैं कि आप वर्ल्ड स्किल्स का प्रेशर ले सके आपको काम करने का ऐसा अनुभव दिया जाता है मानो आप रियल सिचुएशन में काम कर रहे हो। It's an amazing experience. It's a fantastic experience. An excellent setup of an infrastructure which mimics an actual feel of the World Skills International. ये मिट्टी सीमेंट से दीवार बनाने का हुनर ये लकड़ी काटने वाली मशीन चलाने का हुनर ये फुर्ती से कपड़े बनाने का हुनर ये कंप्यूटर पे ग्राफिक डिजाइनिंग का हुनर बागबानी या ये इंटेलिजेंट रोबोट्स बनाने का हुनर हर हुनर अपने आप में खास है और जो इन हुनरबाजों को खास बना देता है। This experience of World Skills South is absolutely different. I've never experienced such a thing. This is an honor for me to be here. Just wearing the jersey, it seems, just gives me courage and hope. I'm very happy to exhibit my talent here in mobile robotics. यहाँ पे आके काफी experience मिला, जो कि मुझे in future काफी use होगा। बिल्कुल। हुनर कभी बेकार नहीं जाता किसी न किसी तरह आपके काम जरूर आता है और इंडिया स्किल्स जैसे आयोजन सिर्फ एक प्रतियोगिता मात्र नहीं है तो ये स्किल का कंपटीशन तो एक बहाना है हमें तो स्किल को बढ़ाना है अपने आप ये जॉब सीकर ना होकर जॉब जनरेटर बनेंगे जीतना हारना तो सेकेंडरी होता है पहले हमें बस सीखना है आज नहीं जीत रही हूँ तो चलिए आगे चल के जीत जाऊंगी अगर आज यहाँ पे से कुछ सीख के जा रही हूँ तो मैं इंडिया स्किल्स में आई हूँ अपने इंडिया को प्रूफ करने देखा हुनर है तभी तो देश के लिए कुछ करने का जज्बा और बढ़ जाता है तो अगली बार अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करने आए या आप अपना मेकओवर कराने किसी पार्लर में जाएं, तो अब शायद आपको पता है कि इनका ये हुनर भी उसी सम्मान का हकदार है जो किसी डॉक्टर या इंजीनियर को मिलता है आखिर ये सब भी तो पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं ये देख के आपका भी मन करने लगा ना कि आप भी वर्ल्ड स्किल्स में पार्टिसिपेट करें मेरा भी होता था लेकिन इसके लिए एज लिमिट है और वो है सिर्फ 22 साल तो आप भी जल्दी जल्दी तैयारी कर लीजिए क्योंकि शायद यही एक वो सही उम्र है जब आप अपने हुनर को सही दिशा दे सकते हैं सो अब कर लीजिए अपनी पूरी तैयारी और तैयारी से मुझे याद आया कि मुझे भी करनी है तैयारी आपको इनाम देने की क्योंकि वक्त हो चला है हमारे सबसे एक्साइटिंग सेगमेंट जवाब दो इनाम लो का तो पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि 2019 में होने वाले वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन्स रशिया के किस शहर में हो रहे हैं और यकीन मानिए इस बार हमें बम्पर रिस्पॉन्स मिले हैं सबने ध्यान से देखा है एपिसोड और सबको इनाम जीतना है ना तो चलिए सबसे पहले ये जाने कि किसका जवाब सही है और किसका गलत 19 वर्ल्ड स्किल कजान रशिया में होने वाला है द आंसर इज कजान इन रशिया द सिटी ऑफ कजान इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में होगा रशिया के कजान सिटी में आयोजित किया जाएगा will be held in Panama. World Skill Competition, City of Kazan, Russia में हो रहा है
रशिया के कजान शहर में होने वाला है। In 2019, national skills are going to be held in Kazan, Russia. भाई सही जवाब है कजान। देखिए इसीलिए आपसे मैं कहती हूँ कि पूरा एपिसोड ध्यान से देखा करिए ताकि आप गलत जवाब ना दें। तो चलिए अब हम फटाफट जान लेते हैं कि कंप्यूटर ने किसे लकी विनर चुना है इस बार। कंग्रेचुलेशंस, हमारी आज की लकी विनर है वाराणसी की रहने वाली राजश्री। तो राजश्री आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू हुनरबाज, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे विजेता चुना। इस बात की मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये इनाम मेरे लिए एक मोटिवेशन है और इस गिफ्ट कार्ड का यूज़ मैं अपने लिए नई बुक्स खरीदने के लिए करूँगी। एक बार फिर से हुनरबाज टीम को थैंक यू। और अब बारी है हमारे इस हफ्ते के सवाल की। तो इस हफ्ते का हमारा सवाल है कि शिलोंग की रहने वाली ईवा ब्ला के पास कौन सा हुनर है। ध्यान से सुनिए, उनके पास कौन सा हुनर है। और इसका सही जवाब आप हमें व्हाट्सएप वीडियो बनाकर हमारे इस नंबर पर फटाफट भेज दीजिए और जीत जाइए इनाम। आप हमें अपने जवाब 9757303030 पर टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले एक लकी विनर को मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से 5,000 रुपए का गिफ्ट कार्ड। पूरी तरह से सिक्योर, इजी टू यूज इस गिफ्ट कार्ड को आप किसी भी POS मशीन या ई कॉमर्स साइट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा ये सफर यही तक और आपसे मिलेंगे हम अगले हफ्ते यही हुनरबाज में। आप जरूर देखिएगा। दुनिया से ताल मिलाने का ढूंढो रे मौका ढूंढो रे। ये चीज वो चीज है जिस चीज में स्वाद और सेहत के साथ जुड़ा है इसको बनाने का एक अनोखा कौशल। अगर कुछ जानना है, कुछ सीखना है तो अगले हफ्ते जरूर देखिए हुनरबाज। तू जानता है किस बात को बोलते हैं फ्रेंच बॉर्बियर। गुलाब के पत्ते को जला के उसका राख बनता है, वो राख इसके अंदर आता है। अरमा जगा तू आजा मचल के कुछ करके देखो। हुनरबाज सीजन 4 पावर्ड बाय स्किल इंडिया मिशन एंड प्रेजेंटेड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। हुनर दिखा दे आ।